नमस्कार जी हाँ, आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी मेट्रो रेल का उद्घाटन करने के लिए आए थे। निश्चित इस विषय पर मैं देश के प्रधानमंत्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और इन दिनों में जो देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी हैं, इन सारे लोगों का अभिनंदन करना चाहूंगा। मुंबई के नगरजनों की ओर से उनका अभिनंदन करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत ही कम समय में पूरा रिंग रूट का, यानी बोरेली से अगर आप स्टार्ट होते हो तो कोलाबाद तक, कोलाबाद से ठाणा, ऐसा पूरा होके पूरा रिंग रूट का परमिशन दिया। काम भी बहुत तेजी से शुरू हुआ। मुंबई के शहर के लोगों में एक जान आ गई थी कि इतने कम समय में इतना फास्ट काम हो रहा है, लेकिन कुछ सरकार बदल गई। सरकार बदलने के बाद में जो महाविकास आघाड़ी की सरकार आई, उन्होंने सबसे पहले तो यार्ड का प्रॉब्लम लेकर उसमें समय बिगाड़ा। उन्होंने जो ऑन गोइंग काम था वो कुछ दिनों के लिए बंद पड़ गया। 2019 को जो मेट्रो शुरू होने वाला था, 2021 के आधा साल बीतने के बाद में भी सब सिर्फ ट्रायल हो रहा है, और निश्चित अब आने वाले कॉरपोरेशन के चुनाव के पहले इसका कोई ना कोई फेज शुरू करके हमने ये करके दिखाया, ये दिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसका मुंबई शहर की जनता जानती है, इसका श्रेय अगर किसी को है तो पूरा केंद्र सरकार को है, नरेंद्र मोदी जी को है, देवेंद्र फडणवीस जी को है, जिन्होंने बहुत गति से शुरू किया। एक ही मुद्दा सिर्फ आप सबके ध्यान में लाना चाहूंगा, बीच में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का एक स्टेटमेंट भी आया था कि देवेंद्र जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने हमको सपोर्ट करना चाहिए मेट्रो यार्ड के लिए। अब इनको इतना तो समझ में आना चाहिए, जब देवेंद्र फडणवीस जी खुद मुख्यमंत्री थे, नरेंद्र मोदी जी देश में प्रधानमंत्री थे, अगर ये मेट्रो यार्ड को और जगह पर शिफ्ट करके करना होता तो उन दिनों में उन्होंने करके लिया होता। तो जब एक ही पार्टी की दोनों जगह पर सरकार होने के बाद में भी नहीं हुआ, कोर्ट में जाकर भी सारा प्रयास देवेंद्र जी ने किया, उसमें हमको सफलता नहीं मिली, इसलिए गोरेगांव में करने का तय किया। और इतना सारा होने के बाद में भी सिर्फ एक पॉलिटिकल ईगो, कुछ लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए, जो एनवायरमेंटलिस्ट है, इस प्रकार से पूरे मुंबई शहर के लोगों को हैरान करना, परेशान करना और कॉस्ट भी इतना बढ़ाना। आने वाले दिनों में मुंबई शहर के नगरजनों को ही टिकट का भाड़ा भी ज्यादा देना पड़ेगा, एक तो डिले और फिर ज्यादा टिकट का भाड़ा देना पड़ेगा। इस प्रकार की व्यवस्था ये महाविकास आघाड़ी सरकार ने जो खड़ी की है उसका मैं निषेध करता हूं, और निश्चित केंद्र सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का अभिनंदन मैं करना चाहता हूं।